में सबसे ज्यादा घटना यहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है जब ले कार संभाले कार्यभार होकर बिहान दिल्ली है चालू हो गए है कि रोज कुछ न कुछ घटना होना और अगर संरक्षण है यहाँ के गृह मंत्री के। बलौदा बाजार में हुए हिंसक घटना को लेकर आज जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान कवर्धा में दो दिग्गजों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसके साथ ही एमएलए भोला राम साहू को बीच में अपना भाषण रोकना पड़ा और इस पूरे मामले को लेकर हमने एमएलए से भी चर्चा किया और धरना प्रदर्शन के दौरान ही तूतू मैमे की जो ये स्थिति निर्मित हुई है इसका वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि बीच में ही एमएलए भोला राम साहू जी को अपना भाषण रोकना पड़ा। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जो जब तूतू मैमे हो रही थी उस समय की ये तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जो हिंसक घटनाएं घटित हुई थी उस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। उसके तहत आज कबीरधाम जिले में भी धरना प्रदर्शन दिया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज हम पूरे मामले को लेकर खुज्जी विधायक भोला राम साहू जी से भी चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में पूरा छत्तीसगढ़ के हर जिला में एक दिवसीय धरना आंदोलन के कार्यक्रम रखे गए। अब ये आंदोलन के मुख्य उद्देश्य जो है बलौदा बाजार में सतनाम समाज के जयत खामला जो नुकसान पहुंचाने वाला वो व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और एक महीना पहले जब ये मन जो सरकार ला और जो है प्रशासन ले लिखित में शिकायत कर दी ओकर बाद भी न सरकार कोई ध्यान दी न प्रशासन कोई ध्यान नहीं दी एक कारण जो है हमारे सतनाम समाज के मन जो है जिला कार्यालय और एसपी के कार्यालय ला कार्यालय के अंदर जो है घेराव करे के और वहाँ जो है अपन बात ला रखे के वहाँ बैठक रखे रहीस और वहाँ करीब करीब 4-5 हजार की संख्या में सतनाम समाज के मन रहीस। और इतना बड़े जब बहुसंख्यक आदमी वहाँ चले गए तो एसपी और कलेक्टर ला अतिक ये नहीं प्रशासनिक आदमी ला कि अतिक बड़े समाज जो है अतिक बड़े भीड़ भाड़ है तो हमें सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए वो मतलब पूरा ताकत में रहना चाहिए। तो ये जो है सरकार के निकम्मापन है और ये आपके कवर्धा जिला में पूरा यहाँ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के निवास क्षेत्र है और ये कवर्धा जिला में मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या यहाँ पे डकैत यहाँ ताश यहाँ जुआ यहाँ शराब की बिक्री अधिक है। और इसमें कोई किसी प्रकार के माननीय गृह मंत्री जी के कोई कार्रवाई है न प्रशासनिक कोई कार्रवाई है बल्कि हमारे जो है अगर सामान्य आदमी कोई छोटे मोटे घटना करते है ओला जो है प्रताड़ित करना ओला परेशान करना जबरदस्ती ओला जो है फंसा के ऊपर जो है कार्रवाई करना ये सरकार की नियत है और प्रशासनिक अधिकारी मन के काम है। बलौदा बाजार घटना में किस तरह का मांग का ज्ञापन सौंपा गया? बलौदा बाजार घटना के मांग में जो हम लोग जो आज जो ज्ञापन जो सौंपे हैं वो वहाँ जो हमारे समाज के आदमी जो है निर्दोष है निर्दोष सामाजिक आदमी ले जो है फर्जी तरीके कार्रवाई करके वो मतलब जो है जेल के अंदर कानूनी कार्रवाई में फंसा के वो मतलब अपराध के श्रेणी में लाए गए है वो जतिक भी हमारे सामाजिक आदमी है ओला निशर्त रिहा किया जाए ये हमारा सब जन के मांग है। और जिन अपराधी है ओकर पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके वो मतलब जो है अपराध के श्रेणी में लाया जाए और ये जो घटना है ओकर न्यायिक जांच किया जाए। प्रदर्शन के कारण लाभ मन जानत हो कि हमार जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमार बलौदा बाजार जिला में सतनाम समाज के जिन देवी देवता के प्रतीक हमार जयत खाम ल नुकसान पहुंचाए देकर हमार समाज के भैया मन बहिनी मन ला जांच पर हमार जो है प्रशासनिक एमन आवेदन करे रहीस एक महीना बीते के बाद भी ये सरकार और यहाँ के प्रशासन एक महीना तक कोई कार्रवाई नहीं करी मजबूरन हमारे जो है समाज के सब साथी मन
जिला कार्यालय एसपी के कार्यालय घेरे की प्लानिंग करिस और 5-6 घंटा ले वहाँ जो है 1,000, 2,000, 5,000 के संख्या में सामाजिक साथी मन वहाँ भाषण गर्जन करत रिस। वहाँ के सब अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एसपी एवं सब अपन कार्यालय में बैठ के पता नियमन का करत रिस्त भाई प्रशासनिक जब अधिक बड़े 4-5 हजार के संख्या में धरना आंदोलन करत है कि हमार समाज के प्रतीक जैत खामला नुकसान पहुंचा है ते में अभी तक की काबर कार्रवाई नहीं करे। एक कार्रवाई होना रिस नहीं हो तेकर कारण हमला जो है मरी मजबूरी में ये धरना में हमला बैठे की आवश्यकता पड़ गई। इसमें सबसे ज्यादा घटना यहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है जब ले कार संभाले कार्यभार ओकर बिहान दिल्ली है चालू हो गए है कि रोज कुछ न कुछ घटना होना और ओकर संरक्षण है यहाँ के गृह मंत्री के। अगर हमार कांग्रेस पार्टी के कोनो प्रकार के कोई काम या छोटे मोटे कहीं विवाद हो गए बोला बड़े जान तूल देना ओकर पर जो है प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लोग उकसा के ओकर पर जो है कानूनी कार्रवाई करके प्रताड़ित करना ये गृह मंत्री के काम है। आज बात जो इसे घटना नहीं होती ए मतलब जबरदस्ती तो ये शांति के प्रतीक समाज ला इतना बड़े प्रताड़ना और समाज से सभी कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से निवेदन है आप सभी साथियों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे भी हमारे माननीय प्रभारीगण यहाँ अपना उद्बोधन दे रहे हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करके यहाँ माननीय प्रभारी जी का उद्बोधन सुने। सभी साथियों से निवेदन है आप मजा आ रहा है।